बिहार चुनाव को लेकर सभी प्रमुख सियासी दल लगातार रणनीतिक तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए में शामिल एलजेपी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। जिस तरह से हाल के दिनों में पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसके बाद गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं अब चिराग पासवान को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं जिससे नीतीश की कुर्सी हिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जितना विरोधियों से परेशान नहीं है, उतना एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनकी परेशानी बढ़ा रखी है। वो लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर नीतीश को सकते में डाल रहे हैं और अब तो उनकी कुर्सी भी हिल सकती है, क्योंकि चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी कर सकते हैं। पार्टी के एक दिग्गज नेता ने इसको लेकर टिप्पणी की है। एलजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि इस पर फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे, उनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। मोहम्मद आसिफ ने बताया कि पार्टी की तरफ से 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। एनडीए में अभी तक सीटों को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। एलजेपी एनडीए में रहेगी या नहीं, इस पर भी फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। चिराग पासवान को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि अगर पासवान विधानसभा में कूदे तो वो सीधा सीएम के पद के लिए ताल ठोकेंगे और वो एनडीए से नाता भी तोड़ सकते हैं। ऐसे में एनडीए के कब्जे से दलित वोट बैंक निकल सकता है। दरअसल बिहार में एलजेपी एनडीए को दलित वोट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। 22 अलग अलग जातियों के महादलित राज्य के कुल मतदाताओं के लगभग 16% हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 38 एससी और 2 एसटी के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन दलित वोटों का प्रभाव इन सीटों से कहीं ज्यादा है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि पासवान उसके पास ही रहें, लेकिन नीतीश कुमार अपनी अकड़ पर बरकरार है। ऐसे में चिराग पासवान अलग होकर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश को तेजस्वी के साथ साथ चिराग का भी सामना करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।